मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा दतिया में यशवंत क्लब पर उठाए सवालों में करारा जवाब देकर हमला बोला है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो निराधार है। कांग्रेस का वो हाल है जैसे रेल की बर्थ पर रुमाल बिछा दो और कोई उसे हटाकर बैठ गया तो आकर कहते हैं कि ये सीट मेरी थी। इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। एक विषय कांग्रेस के लोगों के द्वारा अतिक्रमण का दतिया में उठाया गया। सदन के अंदर उन्होंने कहा कि चुन चुन के टारगेट कर रहे। मैंने कहा कि दतिया की लोकेंद्र क्लब अगर आपके विधायक की है तो रजिस्ट्री दिखा दो। नहीं दिखाई। वो कहते हैं कि वो स्टेट टाइम में बनी होगी। स्टेट टाइम पे बनी होगी तो इनकी हो गई क्या? वो सरकारी कलेक्टर और एसपी के बंगले के बीच में बनी हुई इमारत है, सरकारी इमारत। मेरे समय में अगर मेडिकल कॉलेज दतिया में बनाए तो मेरे बेटे आके ये कहने लगेंगे क्या कि मेरी है। ये तो वही किस्सा हुआ कि रेल की बर्थ पर रूमाल बिछा गया था, दूसरा आके सरका के बैठ गया और बोला कि तुम कैसे बैठ गए, बर्थ तो मेरी है। बोले कैसे? बोले मैं रूमाल बिछा गया था। और बोले कल को रेल पे त्रिपाल बिछा देगा तो रेल तेरी हो जाएगी क्या? आप अंदाज करेंगे 200 दुकानें दतिया में, इन्होंने अंदर मार्केट काट दी 200 दुकान। सारे लोग जो वहां पर भले लोग रहते हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनसे पूरी पैसे ले लिए दुकान के और एक की भी रजिस्ट्री नहीं की, एक की भी सिंगल। ये कहते हैं कि हमने किराए पे दिए तो किरायनामा दिखा दें। और नगरपालिका में कितना अभी तक एक पैसे का टैक्स नहीं है, 10 साल के अंदर एक पैसे का टैक्स नहीं भरा। बिजली का बिल बता दें, जो बाकी के डॉक्यूमेंट चाहिए जो चर्चा में आएगा तो मैं बताऊंगा, एक नहीं बता सकता। दतिया के अंदर जहां हवाई अड्डा बना हुआ है, हवाई पट्टी बनी हुई है, वो पूरी जमीन 200 बीघा ये बरसों से जोत रहे थे। हमारी जमीन है ये कह के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया, गलत जोत रहे। अगर यशवंत क्लब जिसको ये कहते हैं इनकी थी और जिसमें ये कहते हैं कि अमुक अमुक इमारतें चली, शादियां हुई, ब्याह हुआ, तो वो पैसा कहाँ गया? उसका ऑडिट कहाँ है? कौन सी संस्था ऑडिट करती थी? ये बताएं कि वो जो 200 क्लब जिस पे हवाई अड्डा 200 बीघा जमीन पे बना, वो पैसा कहाँ गया? वो गौशाला की भूमि है तो उसकी रजिस्ट्री कहाँ है? पूरी कांग्रेस का ये चरित्र है, सरकारी भूमि को घेरना और अपनी बताना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब दतिया पे चर्चा होगी। सच में शून्य से शिखर की यात्रा उन्होंने तय की है। रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया, जितने साल चौथी बार कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा इतने साल तक और ना इतनी बार। और अच्छी बात यह है, जो सीखने वाली बात है, इतने लंबे समय मुख्यमंत्री इतनी बार रहने के बाद सत्ता का अभिमान उनको छुआ तक नहीं, बगल से नहीं निकला। वही सौम्यता, वही सरलता, वही सादगी जो मैंने उनके अंदर 40 साल पहले देखी थी जब हम पटवा जी की यात्रा में साथ साथ थे, वही सादगी, वही सौम्यता जो हमने मसाल यात्रा में देखी थी, वही आज दिखाई देती है।